गूगल चैट कैसे हम इनेबल करें, कैसे यूज करें, टेंशन मत लो, मैं बता दूं। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, अगर आप भी जीमेल एप्लीकेशन यूज करते हैं एंड ऐसे में जो अगर आप चाहते हो कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप जो है नॉर्मल चैटिंग करना चाहते हो व्हाट्सएप की तरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह, तो गाइस अब जो है आप गूगल की तरफ से एक नया फीचर जीमेल एप्लीकेशन में ऐड कर दिया है जिसका नाम है गूगल चैट। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे जो आपको इस फीचर को, गूगल चैट को इनेबल करना है, कैसे यूज करना है। तो वीडियो एंड तक देखना है, काफी इंटरेस्टिंग होगी, शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इस फीचर के बारे में। तो गाइस, यहां इस फीचर की मदद से जो आप बेसिकली, जैसे इसका नाम है गूगल चैट, यहां पे जो आप चैटिंग कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो, सिमिलरली जो आप यहां पे गूगल पे चैट कर सकेंगे, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे जो है यहां पे गूगल चैट यूज करते हैं, अब जो आप उनसे चैट कर पाएंगे। एंड मैं बता दूं, ये काफी ज्यादा सेफ है एंड काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये ऑब्वियसली गूगल की तरफ से आता है जो है, यानी दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, यानी एंड्रॉइड iOS दोनों के जो है वर्क करता है। तो हम चलते हमारी फोन। सबसे पहले आपको जो है अपनी जीमेल एप्लीकेशन ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से जो है अपडेट कर लेनी है। उसके बाद जैसे आप जो है यहाँ पे ओपन करेंगे तो बेसिकली गैस आप देखोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। एंड गैस मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पे ये फीचर जो है आपको हर एक अकाउंट पे वर्क करेगा, जैसे आपके पास जितने भी जीमेल अकाउंट है उन सब पे। तो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, सिंपल से जाना है ऊपर थ्री लाइन्स पे। एंड गैस इधर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। एंड गैस यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे आपके सामने काफी सारी जीमेल आईडीज आ जाएगी जो भी आपके फोन में लॉग इन है। तो यहाँ पे मैं हाइड कर रहा हूँ। एंड गैस यहाँ पे जो है अपनी मैं ये वाली आईडी ले लेता हूँ, देख सकते हो ये जो है मेरी बिजनेस आईडी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट, शो दी चैट एंड रूम्स टैब। तो गाइस ये जो है डिसेबल हो रखा होगा, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इनेबल का तो इधर जो है इस तरीके से पॉपअप आएगा कि भाई आप जो है यहाँ पे चैट करना चाहते हो, कोलैबोरेशन जो है, तो आप जो है इसको ओके कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो आपकी जीमेल एप्लीकेशन यहाँ पे रिस्टार्ट होगी तो आपको क्लोज, जो आपको वापस अपनी जीमेल एप्लीकेशन ओपन करनी है। तो गाइस यहाँ पे जो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको जो है दो फीचर यानी दो न्यू टैब्स देखने को मिल रहे हैं, जो है यहाँ पे हमारा चैट एंड रूम्स का। तो रूम आप सभी को पता है जो गूगल रूम्स होते हैं एंड जो आप जो है यहाँ पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हो किस भी लोगों साथ। लेकिन गाइज यहाँ पे जो आप चैट किससे कर सकते हो, एक पर्टिकुलरली बंदे से, जैसे आप अगर मेरे से चैट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है कर सकते हो। अब आपको कैसे इसको यूज़ करना है, जैसे आप देख सकते हो मेरे पे जो एम्पलीट्यूड स्टूडियोज़ किया है, जो है यहाँ पे एक मेल रिक्वेस्ट आ रखी है जो मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू चैट पे क्लिक करना है। एंड गाइज यहाँ पे जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे जो है गूगल चैट यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे आपके नाम आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो किसी के साथ भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करना, मैसेज रिक्वेस्ट चेक करना, ये चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो भाई किसी को भी यहाँ पे मैसेज करना तो आप नीचे देख सकते हो इस तरीके से कुछ मेल है एंड भाई इधर ऐसे खुल जाएगा एंड यहाँ से आप जो है डायरेक्टली इसको चैट कर सकते हैं। तो जो भी आप लिखना चाहते हो, हाय, हेलो, जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो वो जो है यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है डायरेक्टली अपने ड्राइव का डेटा, अपनी गैलरी का डेटा और जो है आप वीडियो, कैलेंडर कुछ भी शेयर कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे आप जो है खुद भी खुद कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई इसकी नोटिफिकेशन आए, इसकी हिस्ट्री ऐड हो जाए, इसको ब्लॉक कर दे, इसकी हाइड कर दे, कन्वर्सेशन डिलीट कर दे, पिन कर दे। तो ये सब आप कर सकते हो जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप पे होता है। एंड नीचे आप सभी को दिखा दूं, जो भी यहाँ पे एक्टिव होगा तो उसके सामने ऐसी व्हाट्सएप की तरह जो एक ग्रीन फेसबुक वाला होता है ना, वहाँ पे जो आपको ग्रीन एक्टिव जो है डॉट देखने को मिलेगा, जो अगर यहाँ पे ऑफलाइन होगा तो यहाँ पे आपको सर्कल देखने को मिलेगा। तो ये भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा फीचर है। एंड अगर आप चाहते हो यहाँ पे अपना तो देखना कि भाई आपको कौन कौन चैट में इस टाइम एक्टिव है, तो आपको सिंपल से जो है थ्री लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एक्टिव का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई एसेट ऑलवेज एंड यहाँ पे आप जो भी एक्टिव होगा तो इधर दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस फीचर को यूज करना है। होप गाइस आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कैसे जो आप अपनी जीमेल एप्लीकेशन में गूगल चैट फीचर को इनेबल करना है, कैसे यूज करना है। गाइस बहुत अच्छा फीचर, अगर आप यूज नहीं करते हो तो अभी यूज करना चालू कर दो। एंड आप लोग बताना कैसा लगा ये फीचर, थोड़े टाइम पहले आ गया था बट गाइस आज सोचा मैंने वीडियो बना दूं। अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियो में रोजाना अपने चैनल पर लाता रहता हूं। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।